रूस और यूक्रेन के युद्ध के बहाने अमेरिका और रूस की तनातनी जारी है। हाल ही में रूस ने अपने सहयोगी क्यूबा के बंदरगाह पर परमाणु ऊर्जा से चलने वाली एक सबमरीन भेजी है। रूस के इस कदम को अमेरिका के लिए चुनौती माना जा रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि रूसी पनडुब्बी का क्यूबा के बंदरगाह पर पहुंचने का मतलब है कि रूस ने अमेरिका के नाक के नीचे अपनी पनडुब्बी पहुंचा दी है। अब इसके जवाब में अमेरिका ने क्यूबा में पनडुब्बी भेज दी है। एक अमेरिकी पनडुब्बी यूएसएस हेलेना क्यूबा के अमेरिकी बेस पर डॉक की गई है। इस पनडुब्बी के क्यूबा पहुंचने को रूस को जवाब देने के साथ ही अमेरिका के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। रूस ने भी कजान नाम की जिस पनडुब्बी को क्यूबा में भेजा है वो रूस की सबसे लेटेस्ट पनडुब्बियों में से है। यह रूसी अंडरवाटर बेड़े की सबसे शांत पनडुब्बियों में से एक है। कजान कई तरह की एंटी शिप और लैंड अटैक मिसाइलों को लॉन्च करने में सक्षम है। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा कि उन्हें इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि यहां परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। क्यूबा सरकार ने भी रूसी पनडुब्बी के पहुंचने पर कहा था कि रूसी जहाज परमाणु मिसाइलों से लैस नहीं थे और उनका मिशन अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक था। हालांकि रूसी पनडुब्बी की निगरानी नेटो के एक एंटी सबमरीन विमान द्वारा बराबर की जा रही थी। इस पनडुब्बी का क्यूबा में पहुंचना रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए बड़ी बढ़त माना जा रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने अपनी पनडुब्बी को भी क्यूबा पहुंचाकर रूस को जवाब दे दिया है। पहले जब रूस ने क्यूबा में पनडुब्बी पहुंचाई थी तब कहा जा रहा था कि अमेरिका ने यूक्रेन को जो अमेरिकी हथियारों को इस्तेमाल करने की छूट दी है उसके जवाब में रूस ने ये कदम उठाया है। रूस और अमेरिका की तनातनी देखते हुए लगता है कि इनके बीच बढ़ते तनाव से यूक्रेन का युद्ध अभी और लंबा खिंच सकता है। हालातों को देखते हुए इस मामले के जानकार लोगों को उस बात में भी दम दिखता है कि यूक्रेन के सहारे अमेरिका खुद रूस से ये युद्ध लड़ रहा है। रूस और अमेरिका दोनों ही एक दूसरे के डेवलपमेंट पर नजर बनाए हुए हैं और अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका ने हाल ही में रूस पर लगाए प्रतिबंधों को और बढ़ा दिया है, जिसके जवाब में रूस ने भी डॉलर और यूरो में होने वाले ट्रेडिंग को बंद कर दिया है। एक तरफ जहां अमेरिका रूस को हर तरफ से घेर रहा है, वहीं रूस भी उसे हर संभव जवाब दे रहा है। लेकिन इन दोनों देशों के तनातनी में यूक्रेन पिस रहा है और वहां के निर्दोष नागरिक, महिलाएं और बच्चे मारे जा रहे हैं।